पैथोस मत बनो, लॉजिक पे खेलो दुनिया, इमोशनल पे नष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नष्ट। पता है क्यों? ये जो चीज़ है ना इंसान की, मोटिवेट शब्द, बहरहाल मेरे को सबसे बुरा शब्द लगता है, सबसे बुरा शब्द लगता है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको कुछ कह के मोटिवेट कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? आप पैथोस श्रेणी में आते हो। किस में आते हो? पैथोस। क्योंकि उसके बोलने से अगर आपके अंदर कुछ ऐसा हुआ यार आप तो कुछ करके मानूंगा, तो दो पल की चीज है सिर्फ, वो क्या है? दो पल की चीज, वो पैथोस हो गया। वो आपने इमोशनली सोचा है, लॉजिकली नहीं सोचा। अगर लॉजिकल इंसान है तो हमेशा अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मोटिवेट रहेगा वो। जो लोगों से होगा, लॉजिकल होगा, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा, क्योंकि पैथोस नहीं है, वो इमोशन में नहीं भरेगा। तो हमेशा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल मीन्स क्या? सही है या गलत है, वो हमेशा ठीक है। और सही और गलत पता लग गया तो ठीक है भैया, हमेशा मोटिवेटेड हो। जब ये पता ही, मोटिवेट होने की जरूरत क्यों होती है इंसान को? ताकि सही और गलत की पहचान कर पाए। क्योंकि जब कोई इंसान आपको मोटिवेट करता है तो आप क्या होता है? आपको पता है वो सारी एक्टिविटी छोड़ दोगे जो गलत है, तो यानी आप सही की तरफ आते हो ना। अगर लॉजिकल होते तो करते ही नहीं वो चीज़। तो इसलिए पैथोस मत बनो, लॉजिकल बनो, लोगोस बनो। आपको सारे बच्चों को बताएं फ़ोन को स्क्रॉल करना इस समय गलत है, पता ही नहीं पता, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं है। और लॉजिकल होते तो नहीं करते। और इतना आसान है भी नहीं। अब किसी नशेड़ी या गंजेड़ी को, बहरहाल मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उसको पास में बैठाओ, प्यार से बोलो भाई, और तीन चार लोग और बैठ जाओ सुधरे हुए, कि देख नशा करना गलत है। वो कहेगा यस, मानता है। वो कहेगा हाँ, मना थोड़ा ना करेगा। वो कहेगा हाँ। उसे कहे भाई नशा छोड़ दे। वो कहेगा पूरी कोशिश रहती है, छूटता ही नहीं, आदत है। वो कहेगा कोशिश तो कर। कहेगा कोशिश करूँगा, लिख के ले लो, वापस करके नशा करेगा वो। फैक्ट है, किसी के बोलने से नशा थोड़ा छोड़ देगा? जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नशा छोड़ने, जब तक नहीं छोड़ पाएगा वो। ये लड़का किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और क्या करता है वो? मैं क्यों छोड़ दे? कहेगा ओ तुम कौन होते हो, क्यों छोड़े हो? नहीं छोड़ेगा ना, मेरे बोलने से थोड़ा छोड़ देगा। जब उसका मन करेगा छोड़ देगा, कोई मिल जाएगी दूसरी कैटरीना कैफ, छोड़ देगा। वो उसके डिपेंड मन पे करता है, किसी के बोलने पे नहीं करेगा कोई काम। तो इंसान को जीवन में एक शब्द की आवश्यकता नहीं है, इसको कॉल मोटिवेशन। अगर जरूरत पड़ रही है तो भी कुछ गलत कर रहे हो। जो ये मिरर के सामने दो तीन थप्पड़ मार गए और बाल ऊपर नीचे करके ये जो मोटिवेट होते हैं, बहरहाल लड़कियों को मेरे को पता नहीं है लड़कियां कैसे करती होंगी, शायद बाल ऐसे करके करती होंगी करके और बोलती आज तो दाड़ दूंगी, ठीक है। अरे लड़के मतलब करते हैं ना ऐसे। तो ये जिम में हम देखते, जिम में लोग आते हैं, मतलब पहले देखते थे, पहले के हम तो कभी गए नहीं, मतलब अर्थात जब भी मैं देखता था, लोग जो है हेडफोन्स लगा के एकदम अंदर से, क्यों भाई? कई जिमों में, अच्छी जिमों में देखोगे वहाँ पे गाने चलाना अलाउड नहीं होते हैं, पता है आप लोगों को? अगर आपको ये बात नहीं पता तो मान लो ये होता है, वो नहीं चलाते गाने वाने। उनका मानना ये है इंसान वो करे जिम जो आपका बिना गाने के कर पाए, वो सही से होगा। मसल्स कॉन्टैक्ट माइंड के साथ में बेहतरीन होना चाहिए, कनेक्शन। अगर माइंड के साथ में आपका मसल्स कॉन्टैक्ट जो है बेहतरीन है, तो एक बेहतरीन फिजिक्स आपका है। मतलब मैं उस पर्पस में बात कर रहा हूँ, फिजिकल, बहरहाल मेरा तो है नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपका आएगा अगर ऐसा है तो। तो इसीलिए अच्छी जिमों में, बहुत बेहतरीन, जो सच में करना चाहते हैं, वहाँ देखना कोई अच्छा इंसान है वो नहीं रखेगा। और जिन्हें रखी है वो चाह रहा है अबे तू कर, गाना चला तो रोने धोने वाला, उससे जिम नहीं होगी। हाँ अगर उसका दिल ना टूटा हो तो। देखो इसमें भी लॉजिकल है, दिल टूटा है तो करेगा, इमोशनल इंसान बेचारा, रीजन के बिना कुछ काम नहीं कर रहा। सोचो ये सारा इसका खेल है भाई, और किसी चीज़ का खेल है ही नहीं है। अगर पैथोस बनोगे तो सबसे हारोगे, सबसे, समाज से हारोगे, अपने हाँ से हारोगे, और किसी के बोलने वाली चीज़ में ना तुरंत यकीन करोगे। अगर पैथोस हो, लॉजिकल हो, तो किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता यार। कोई बोलेगा सुनोगे, ठहराव करोगे, उसके बाद कहोगे ठीक है ना। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इंसान में, सुनोगे और कहोगे ठीक है ना, इसमें कुछ बात सही थी, कुछ बात हम अपनी लगाएंगे, इमोशनल हावी नहीं होंगे। गाना हम सुनेंगे और गाने को इन्जॉय करेंगे, गाने के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, किसी के बोलने के हिसाब से मोटिवेट नहीं होंगे। खुद बताए सही क्या है और गलत क्या, खुद के हिसाब से होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इन चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास ओवर कर देनी चाहिए। हाँ, क्लास मीन्स क्या? आज तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं, आई मीन टू से आज ऐसे ही जाओ आप लोग घर पे और सेल्फ केयर में सोचो, क्वेश्चन पेपर के बारे में सोचो, सिलेबस को तीन बार देखो, स्क्रॉल करो और इम्प्रूव करो, और डेली एक ब्लैंक पेपर लेके रात को बैठो अपने साथ 10 मिनट। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।